फिफ्थ साइंस लेसन थ्री। बच्चों आप लोग का जॉइंट्स चल रहा है, सो आवर करेंट टॉपिक इज मूवेबल जॉइंट्स। मूव का मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। मूवेबल जॉइंट्स मीन्स ऐसे जॉइंट्स। बच्चों आप लोग का जॉइंट्स पहले ही क्लियर है। जॉइंट्स मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे दो बोन आके जॉइंट होता है, ठीक है, मिलता है। मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। दीज आर जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स। दीज आर जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स हैं दैट अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ बोन, जो बोन के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। देयर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इनके कुछ टाइप्स दिया हुआ बच्चों। फर्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है बच्चों कब्जा। बच्चों आप लोग जैसे खिड़की या गेट देखते होंगे, वो एक तरफ खुलता है, ठीक है। जैसे आपने गेट को बंद कर दिया, ठीक है, तो बंद करने के आगे आप नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने बंद कर दिया गेट को तो उसको आप आगे नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। आप ओपन कर दिए, मीन्स वन साइडेड मूवमेंट होता है हिंज में। सेम इसी तरह का जॉइंट हम लोग के बॉडी में होता है, ठीक है, हमारे बोन्स के बीच में हिंज जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन ओनली सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ ए डोर। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट, इस तरह का जॉइंट मूवमेंट को अलाउ करता है इन वन डायरेक्शन। बच्चों आप लोग अपने मुट्ठी को आप लोग एक बार बंद करिए, ठीक है। आप लोग का मुट्ठी अब बंद हो चुका होगा, इसको अब आप ओपन करिए, ठीक है। अब आप ओपन करने पे आप क्या देखते हैं, ये बस ओपन हो गया, अब ये पीछे नहीं मुड़ सकता, ठीक है। जैसे आप लोग आप घुट केहूनी होता है ना, एल्बो से भी आप लोग जो आप जब एल्बो से आर्म्स को अपने जब मूवमेंट करते हैं, सो आप लोग पाएंगे कि जो हम लोग के जो आर्म्स हैं वो बस स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। बैक की ओर जो बेंट नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं वन साइडेड मूवमेंट, ठीक है। अगेन बच्चों आप लोग को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोबारा पढ़ के। हिंज जॉइंट, दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। इस टाइप का जो जॉइंट है वो केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ अ डोर। अंडरस्टैंड, इसका सेकेंड पॉइंट बच्चों, बोन्स ऑफ एल्बो के बोन्स, नी घुटने का बोन, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट। सेकेंड बच्चों, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझने से पहले आप एक चीज़ आप एक जरा सा आप एज्यूम करिए, सपोज दैट देर इज़ अ बॉल, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है। बॉल के अंदर का जो मटेरियल है उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है, मीन्स एक साइड छोटा सा जो है सर्कल बना के, ठीक है, उसको पूरा जो है निकाल दीजिए, अंदर का पूरा रुई या जो भी रबर का पोर्शन है, ठीक है, और उसी नाप का अंदर की ओर जो है एक जो है डंडा या लकड़ी जो है अंदर ज़्यादा हो थोड़ा चौड़ा हो उसको फिट कर दीजिए, ठीक है, जैसे इस टाइप का, ठीक है, जैसे बॉल हो जाएगा और इसके अंदर नीचे वाला जो पिन है उसको आप अंदर कर देंगे, जैसे सेम चीज़ यहीं पे आप यहाँ करेंगे, ठीक है। सो ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सपोज दैट जस्ट लाइक यू आर्म, जैसे आप लोग का बच्चों आर्म होता है, आर्म का जो अपर वाला बोन होता है, ठीक है ना, मिस एल्बो के ऊपर वाला बोन, ठीक है, इसको आप पूरा का पूरा मूव कर सकते हैं आप, ठीक है, मीन्स पूरा रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बच्चों आपके कमर के पास भी होता है, जो नी के ऊपर वाला जो बोन है वो जो है कमर के ऊपर एक बोन होता है बॉल टाइप का, उसके अंदर फिट रहता है और वो 360 को घूम सकता है, इसको बोलते हैं, इस टाइप के जॉइंट्स को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बच्चों पढ़ते हैं, इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक इंड ऑफ वन बोन
फिट इंटू ए कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन इन दिस ज्वाइंट इस ज्वाइंट में बॉल लाइक इंड ऑफ वन बोन एक बोन का जिसका एक इंड बोन का एक इंड जो क्या होता है बॉल लाइक होता है फिट वो फिट हो जाता है इंटू ए कप लाइक कैविटी एक कप की तरह एक बॉल की तरह एक कैविटी का मतलब अंदर जो गड्ढा होगा ठीक है अंदर जो केस टाइप का वो छोटा सा जो है सॉकेट के अंदर फिट होता है ठीक है दिस ज्वाइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस इस टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो मैक्सिमम मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं सभी डायरेक्शंस में अंडरस्टैंड दिस द ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन द शोल्डर एंड हिप्स ऑफ दिस काइंड इस तरह का जो ज्वाइंट्स है हमारे हिप्स मीन्स कमर के पास और शोल्डर के पास पाया जाता है पिवोट ज्वाइंट पिवोट का मतलब होता है एक टाइप की खूंटी टाइप का होता है ठीक है ना जैसे कोई बॉल है उसके अंदर एक सीधे सीधे जो है एक बोन एक इंटर कर गया है ठीक है वो जो है रोटेट कर सकता है दिस ज्वाइंट अलाउज रोटेशन ओनली ये रोटेशन को जो है अलाउ करता है द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ए रिंग फॉर्म ऑफ द अदर बोन राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन एक बोन का राउंड सरफेस रिंग टाइप के अदर बोन में फिट हो जाता है ठीक है द ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड हेड बच्चों ये कैसा इसका एग्जांपल है हमारा जो नेक है नेक वाला जो बोन है वो हेड के अंदर एक छोटा सा कैविटी लाइक रिंग टाइप का बोन होता है उसके अंदर फिट होता है ठीक है इसलिए इसी वजह से आप लोग अपने सर को आप जो है रोटेट कर पाते हैं ड्यू टू बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट ग्लाइड का मतलब होता है बच्चों स्लिप करना या फिसलना ठीक है अब अभी करेंट टॉपिक है ग्लाइडिंग ज्वाइंट मीन्स ऐसे ज्वाइंट्स जहाँ पे एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड करता है मीन्स स्लिप करता है दिस ज्वाइंट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड आर ग्लाइड ओवर ईच अदर दिस ज्वाइंट अलाउज ये ज्वाइंट अलाउ करता है बोन्स टू स्लाइड बोन्स को स्लाइड करने के लिए या स्लिप करने के लिए या कह सकते हैं आप ग्लाइड करने के लिए अलाउ करता है जैसे बच्चों आप एक काम करिए आप लोग अभी इसी समय तुरंत अपने मुट्ठी को आप बंद करिए ठीक है और अपने मुट्ठी को आप जो मूव कराइए ठीक है रोटेट कराइए चारों तरफ ठीक है अपने आर्म्स को मत हिलने दीजिए और उसको जो है इसको मूव कराइए सो आप ये फील करेंगे कि आपका जो कलाई है ठीक है ना कलाई के पास में जो भी बोन्स हैं आर्म्स वाले बोन्स और आपके जो हाथ वाले बोन हैं मीन्स जो पाम वाले जो बोन हैं वो आपका जो क्या कर रहा है वो ग्लाइड कर रहा है स्लिप कर रहा है ठीक है इसी टाइप का जो है ज्वाइंट आपके पैर में भी होता है ठीक है जहाँ पे टो जहाँ पे होता है आपका नीचे होता है जो पैर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कई ज्वाइंट्स जुड़े होते हैं जैसे एंकल जैसे यहाँ पे जो बोन है जो ठीक है यहाँ पे जो कई बोन्स होते हैं ठीक है ये भी क्या करता है एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है सो दिस ज्वाइंट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड और ग्लाइड ओवर ईच अदर सो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन द एंकल्स एंड रिस्ट ये एंकल्स पैर के एंकल एंड रिस्ट पे पाया जाता है अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स बच्चों एक बार आप लोग का मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ज्वाइंट देर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इमूवेबल ज्वाइंट्स एंड मूवेबल ज्वाइंट्स फाउंड विच इन पार्ट्स इन विच पार्ट्स इमूवेबल ज्वाइंट्स स्कल एंड पेल्विस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट नो मूवमेंट मूवेबल ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल हिंज ज्वाइंट एल्बो एंड नी इन वन डायरेक्शन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एग्जाम्पल होगा बच्चों हिप एंड शोल्डर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन ऑल डायरेक्शंस में मीन्स सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है पिवोट ज्वाइंट मीन्स ये हमारे नेक और हेड के बीच में होता है नोडिंग और टर्निंग इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इसको टर्न कर सकते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट एंकल एंड रिस्ट में स्लाइड ओवर ईच अदर अंडरस्टैंड सो बच्चों
कल का टॉपिक होगा हम लोग का मस्कुलर सिस्टम, अंडरस्टैंड।